वेलकम बैक। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर शौकत तरीन का कहना है कि आज फिर ये हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर 30 रुपए बढ़ाने जा रही है। 750 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और 17% सेल्स टैक्स के बाद अगले चंद माह में पेट्रोल 300 रुपए से ऊपर चला जाएगा। महंगाई की शरह जो अभी 24% पर है वो 30% पर चली जाएगी। दफा दो कंसेक्यूटिव सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 5.5% से ज्यादा हुई। कोविड के बावजूद फॉरेन एक्सचेंज जो 178 रुपया था 2 मार्च को, आज ही इस वक्त मार्केट में मेरे चेयरमैन 206 पे चल रहा है। प्राइस इंडेक्स इस वक्त 24% पे, इसमें अभी पेट्रोल प्राइसेस आज 45% गैस की इंक्रीज उन्होंने कही है, 47% जब बिजली की कही है वो अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 30 रुपया आज ये बढ़ाएंगे, अगले साल जो बढ़ा रहे हैं और इन्होंने लिखा हुआ है 750 बिलियन की जो लेवी डालेंगे और 17% का सेल्स टैक्स डालेंगे, 300 रुपए से ऊपर चला जाएगा अगले चंद महीनों में। आप अभी कहें सारे नंबर ही प्रोविजनल हैं क्योंकि चेंज हो सकते हैं, तो फिर ये बजट तो ना हुआ। ये एक्सरसाइज तो फ्रूटलेस है, हम क्यों डिबेट कर रहे हैं इसको। कहूंगा हो सकता गलती हो सकती है, $7 बिलियन का डेट लाइबिलिटी ही बीच में नहीं थी और उन्होंने कहा जी ये तो बस मिस हो गया।